भगवान वैद्यनाथ का स्मरण करें गणपति के साथ में, हाथ जोड़ दें। पूर्वो सदाम्बी भगवत स्वरूपम श्री वैद्यनाथ भवतां भवरोग मुक्तम क्षीणो सदां पूर्णममेव चित्तम रोगान शेषान वदन सहितम। भगवान वैद्यनाथ और वैद्यनाथ भी ज्योतिर्लिंग है बिहार में, जो कि हमारे जीवन के सारे भौतिक और मानसिक शारीरिक रोगों को दूर करें और हमें जीवन में निर्मल पवित्र चित्त श्रेष्ठ और दिव्य बनाए, ऐसे ही भगवान भूत भावन को, ऐसे ही भगवान वैद्यनाथ को स्मरण करता हुआ मैं आपको यह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। हाथ जोड़ दें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्रादु संकल्पम कुर्यात्। हाथ में जल लीजिए। दीर्घातो स्वानम सकृदेकलांतम सा चैतन्यम परिपूर्णत्वं परेषां पूर्वात् स्वानं शक्ते समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थं सर्व सुख सौभाग्य परिपूर्णता प्राप्ता निमित्तं मम भौतिक आध्यात्मिक सर्व चेतना प्राप्ता निमित्तं एतो स्वानम अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम्। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्माहम् ताम पूर्णतन्त्रभ्यं समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्या सहजं पुरस्तात् आयुष्मकं प्रतिपञ्चशब्दं यज्ञोपवीतं बलतीर्थां तेनोपधीयामि। तत्रादौ हेतोस्वानं सा गुरुं प्राप्येता हेतोस्वानं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। तत्रादौ प्रयोगं प्रारभ्यते पूर्वा हेतोस्वानं सा कृते कल्याणतां सा चैतन्यम् दीर्घातुस्वानम सारिम श्री वैद्यनाथाय यंत्र रूपेण साक्षी मम समस्त रोग नित्याद पूर्वा। यंत्र अपने सामने यंत्र और गुटिकाएं अपने हाथ में ले लीजिए और केवल मेरे सामने देखिए आप और मन में चिंतन करें कि अपना नाम लें, अपनी पत्नी का नाम लें, अपने पुत्रों का नाम लें जो आपके रक्त से संबंधित है, मां बाप पत्नी पुत्र आश्रम की, ये सभी रोग मुक्त रहे जीवन में और इनको किसी प्रकार का रोग नहीं रहे भविष्य में, ऐसा मन में चिंतन करते रहे। मैं मंत्र पढ़ूंगा। ओम दीर्घोतुष्मानम सकृदेकलांतम सदा भापूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णा अथोष्मानम सकृदेकलांतम दीर्घसाम दीर्घोतुष्मानम दीर्घे पूर्वा सा सतामे रोगान शिशान पंच दुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान विष्टान त्वामा सतनाम नराणाम त्वामस्तया सता प्रयान्ति सा पूर्णत्वं परिपूर्णातुष्मानं सकृदेकलान्तं दीर्घौ सा चिन्त्यं परिचिन्त्यं प्रापूर्वातुष्मानं नेति भूतास्वाभि दीर्घौतुष्मानं सा पूर्वा सामिति पूर्वा सदि कृदेकलान्तं दीर्घा सा कंचं क्षमसि अङ्कं चण्डं दम्पं व्यंसं बिन्दुराय मदया मदया मलय मलय जाग्रे जाग्रे तोट तोटा दीप्तम साम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णाम कान की थूकी चिता सांग सिंह सोशल देवांति को आते हुआ समस्त अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम ममा समस्त कुटुंब सहित रोग शोक दुख दारिद्र कष्ट पीड़ा निवारणार्थम मंत्र पाठेन पूर्ण गुरु मुखेन मंत्र सिद्धि प्राप्ताम नेतुस्मानम वैद्यनाथ पूर्णतम मा पूर्णा समस्त अकाल मृत्यु निवारणार्थम सर्व सुख सौभाग्य प्राप्त निमित्तम स्वस्थ देह दीर्घ अथोस्वानम सा चैतन्यम परिपूर्णा कृते कल्याणतम सा पूर्णम तुभ्यम संपर्दे निमित्तम वो ज्योति पूर्णाम ताम तुभ्यम समर्पयेत। तत्रादु मंत्रम दद्यात्। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ इस यंत्र को अपनी आंखों से लगा ले और नीचे रख दें।
बोले ओम ब्रह्म वैद्यनाथाय ब्रह्म रोग मुक्ताय फट ओम ब्रह्म वैद्यनाथाय ब्रह्म रोग मुक्ताय फट ओम ब्रह्म वैद्यनाथाय ब्रह्म रोग मुक्ताय फट सत्रादु साम मंत्रोदय तो स्वानम शक्ति कल्याणताम दीर्घा तो स्वानम सातुभ्यम समर्पयेत। इसके लिए किसी प्रकार की मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 बार इस मंत्र को नित्य उच्चारण करना जरूरी है, या एक गिलास में जल लेकर के 5 बार मंत्र उच्चारण करके घर में जल छिड़क दें नित्य, आप या आपकी पत्नी या आपका पुत्र या आपकी पुत्री, तो उस घर में किसी प्रकार का रोग शोक नहीं रहेगा, अकाल मृत्यु नहीं रहेगी। और यदि आपके परिवार के अलावा भी पड़ोस में भी किसी को रोग हो तो आप गुरु का ध्यान करके, भगवान वैद्यनाथ का पूर्ण रूप से ध्यान करके, उस मंत्र के ऊपर एक माला इस मंत्र की जप करके वह पानी पिलाएं या उस पर जल छिड़के तो कुछ दिनों में बहुत अधिक अनुकूल परिणाम प्राप्त हो पाएंगे, ऐसा मेरे जीवन का अनुभव रहा है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Yeah.